हैं संजीवनी कुसुम, आप सबका मेरे ऑडियो शो दो कदम मेरे साथ में स्वागत है। यहाँ आप मेरी लिखी हुई कहानियाँ मेरी आवाज में अपनी नजर से देखेंगे, तो आइए दो कदम मेरे साथ मेरी कहानियों की दुनिया में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी शॉर्ट स्टोरी अलगनी। अलगनी पर फैले हुए गीले कपड़ों को देखने में एक अलग ही सुकून होता है। अचानक बेजान आंगन घर का सबसे खूबसूरत हिस्सा लगने लगता है। उन कपड़ों से छट कर आती हुई धूप आंगन को पार करके बेडरूम को उजाले की उस मध्यम रंग में रंग देती है जिस रंग के कपड़े अलगनी पर फैले हो। भीगे कपड़ों की वो अलग ही खुशबू होती है जो हवा के झोंकों के साथ घर के अंदर आकर ये एहसास दिलाती है कि ये घर बेजान नहीं है, इसमें लोग बसते हैं। जी, मैं किशोर बैचलर था कुछ दिनों पहले तक। अपने बैचलरहुड को खोने का जोर का झटका उस सुबह और भी जोर से लगा जब मेरे घर के मेरे आंगन में मेरी आलगनी पर मेरे गीले कपड़ों को बगल सरकाकर उसने अपने कपड़े पसार दिए थे। उसने, वैष्णवी ने, हाँ मेरी पत्नी ने। सुनने में अजीब सा लगता है ना, अरे कुछ तो रहम करते अपने इकलौते बेटे पर मेरे माँ बाप। पूरे 24 साल का भी नहीं हूँ मैं सही तरीके से और कर डाली मेरी शादी। ऐसा भी होता है क्या? मस्त अपनी जिंदगी जी रहा था बेंगलुर में, सॉफ्टवेयर कंपनी की नौकरी, हाथों हाथ कमाई और सारे शहर में दोस्त भरे थे। इंतजार करता था कि कब शुक्रवार हो और अपने दो दिनों की वीकेंड को दिल चाही मौज मस्ती से भर दूं। हाँ तो गलत क्या किया, 23 साल तो पढ़ाई लिखाई में खपा दिए, अब ना मस्ती करूं तो ऐसा नहीं होता ना। पर लगता है मेरी बचकानी मौज मस्ती मेरे लोकल रिश्तेदारों को अयाशी के रूप में नजर आए। तुरंत मम्मी पापा को कॉल करके बता दिया, संभाल लो जानकी प्रसाद, बेटा हाथ से निकल जाएगा। क्या मैं कोई मछली हूँ जो हाथ से फिसल जाऊं? और फिर हुआ मेरा इमोशनल अत्याचार। मम्मी पापा दोनों देहरादून से सीधा बेंगलोर पहुंच गए, जैसे अगर एक दिन की भी देरी होती तो मैं उनकी इज्जत नीलाम कर देता। लगता था जैसे मुझे हलाल करने की पूरी तैयारी फ्लाइट में ही करके आए थे। माँ आंसू बहाती तो पापा ताने देते। पता नहीं बताने वालों ने भी क्या बताया था कि मुझे सफाई देने का मौका तक नहीं दिया जा रहा था। हाँ वीकेंड पार्टीज करता था, रेव पार्टीज भी होती थी, खाना पीता तो चलता ही है और लड़कियों का होना भी तो आम बात है। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग तब तक जारी रहा जब तक मैंने तंग आकर यह नहीं कह दिया कि जान छोड़ो माई बाप, अब बताओ मुझे क्या करना है। उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि ये एक बात इतनी महंगी पड़ेगी। एक सप्ताह में मेरी शादी फिक्स कर दी, 15 दिनों के अंदर अंदर झट मंगनी पट ब्याह। लगता है मम्मी पापा देहरादून के किसी मैरिज ब्यूरो में बाकायदा ट्रेनिंग लेकर आए थे मेरे पास। अरे ऐसा भी कोई होता है क्या, पूरे 24 साल का नहीं हूँ मैं। कितना अजीब लगता है लोगों को ये कहते कि मैं शादीशुदा हूँ, शर्म से गर्दन झुक जाती है मेरी। पहले अपने आप को कुछ इस तरह इंट्रोड्यूस किया करता था, हाय मैं किशोर और आप। मेरी आंखों में वो सारी शैतानी झलकती थी जो सामने वाली लड़की को अपना फोन नंबर देने को मजबूर कर दे। और अब हालत ये है, हाय मैं किशोर और ये मेरी पत्नी वैष्णवी। माही का मारा हुआ गेंद भी शायद स्टेडियम के बाहर कुछ दूर ढूंढने पर मिल जाती, मगर ये बात सुनकर वो लड़कियां फिर मुझे आज तक नजर नहीं आई। अगर वो मेरे मम्मी पापा नहीं होते ना तो मैं उन्हें शाप दे देता कि आप दोनों को हजार मच्छर हर रात काटे। पर क्या करूं, उन्हें जरूर मेरी हाय लगेगी। वो तो मेरी शादी करवा के एक महीने के अंदर बेंगलोर में मेरा घर बसाकर देहरादून कट लिया और मुझे छोड़ गए इस वैष्णवी के कब्जे में। अचानक मेरा घर मेरा ना हुआ उसका हो गया।
अरे इन लड़कियों को ये हक देता ही कौन है कि पहले ही दिन से घर में ऐसा डेरा जमा लेती हैं जैसे किसी इलाके की माफिया डॉन ने ऐलान कर दिया हो कि अब ये मेरा इलाका है, मेरा घर, मेरा किचन, मेरा टीवी और तो और मेरा अलगना भी मेरा नहीं रहा। बिस्तर के दाएं तरफ अपना अड्डा फैलाने में उसने एक दिन की भी देरी नहीं की। बड़ी बेहया होती हैं आजकल की लड़कियां यार। हाँ मेरा बिस्तर किंग साइज है और वो दाहिनी तरफ सो जाए तो भी बीच में दो लोगों के लिए काफ़ी जगह बाकी थी। पहले तो चील की तरह फैल कर सोता था, अब उल्लू की तरह सिकुड़ कर सोना पड़ रहा है। पहले मैं एक महीने बिस्तर के दाहिनी तरफ सोया करता तो दूसरे महीने बिस्तर के बाईं तरफ, ताकि बिस्तर पर गद्दे का हर कोना सही तरीके से दबता हो। अब इस राक्षस ने मुझे इस छोटी सी खुशी से भी बेदखल कर दिया। अब गुस्सा निकालता तो किस पर, मम्मी पापा तो चले गए, रह गई मेरी धर्म पत्नी वैष्णवी। कितना अजीब लगता है ये बात ना। शादी के पहले दिन ही मैंने उसे साफ तरीके से जाहिर कर दिया कि मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं और ये शादी ज़बरदस्ती हुई है। मुझे लगा कि वो बहुत झगड़ा करेगी, अपने मम्मी पापा को फ़ोन लगाकर भूचाल मचाएगी, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी कोई शौक नहीं था तुमसे शादी करने का, अब हो गई ना, पड़े रहो। क्या क्या मतलब था उसका, पड़े रहो? मैं क्या सोफ़ा या कुर्सी हूँ जो पड़ा रहूँ? अजीब लड़की है यार। वो भी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी, पर हमारे शिफ्ट अलग अलग समय पे हुआ करते थे। मैं शाम 5 बजे जाता और रात 4 बजे वापस आता। वो सुबह 7 बजे निकलती और शाम 4 बजे तक वापस आ जाती। गनीमत है कि सारी रात मिलकर बिताने का मौका हमें करीब करीब मिलता ही ना था। रात 3:30 या 4 बजे जब मैं घर पहुँचता तो वो गहरी नींद में होती थी। मैं जानबूझकर आवाज़ें करता हुआ इधर उधर घूमता ताकि उसकी चैन की नींद टूट जाए, पर वो कुंभकर्णी ऐसा सोती कि टस से मस नहीं होती थी। पर अजीब सी बात थी, डाइनिंग टेबल पर मेरे लिए बनाना मिल्क शेक हुआ करता था। उसे कैसे मालूम था कि मुझे ये पसंद है? कोई काला जादू तो नहीं जानती थी? मिल्क शेक इतना ताज़ा और प्यारा दिखता था कि ना चाहते हुए भी मुंह हाथ धोकर एक पल में ग्लास खाली कर देता था और उसे धोकर किचन में ऐसा रख देता था जैसे ना मैंने मिल्क शेक देखा ना पिया। एक घंटा भी ऐसा नहीं बीतता जब हमारा झगड़ा नहीं होता था। उसके मम्मी पापा से लेकर कबोर्ड में वो किस तरफ अपने कपड़े रखे इस बात तक हर मुद्दे पर हम बखूबी लड़ते थे। दलीलें तो ऐसी देते थे कि कोई देखे तो कहता, हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं वकील होना चाहिए था। नई नई शादी हुई थी, आए दिन या तो कोई लोकल रिश्तेदार आते या हमें अपने घर पर डिनर को बुलाते। वो वीकेंड के शामें जो मैं दोस्तों के साथ डिस्को और पब में गुजारा करता था, अब वे शामें रिश्तेदारों के घर पर वेजिटेरियन खाना खाकर खोखली हंसी हंसते हुए बितानी पड़ती थी अपनी पत्नी वैष्णवी के साथ। ऊपर से ये रिश्तेदारों के घिसे पिटे मजाक, बेटा अपनी पत्नी से कहो अच्छे से खाए, अगले साल पोते का मुँह भी तो दिखाना है। हैं पोता, ये कौन है, यानी मेरा बेटा? अरे यार अभी मेरी उम्र ही क्या है, मम्मी पापा आप लोग आओ, इस बार आप लोगों की खैर नहीं। मैं ही करके हंसता रहता तो वैष्णवी ऐसी शर्माती जैसे किसी ओल्ड हिंदी फिल्म की सीन चल रही हो। घर आकर इन वाक्यों पर फिर हम दोनों में एक लंबी चौड़ी बहस होती और वो तब तक चलती जब तक वो थक कर सो ना जाती। अजीब लड़की है यार, यूं आंखें बंद की और यूं सो गई और दाईं तरफ मैं 100 करवटे लेकर भी सो नहीं पाता था। बगल में खूबसूरत लड़की बेखबर सो रही हो तो नींद क्या खाक आती। इंसान हूँ यार, नींद लग भी जाती तो उसका हाथ या पैर छुआ कि नहीं, बदन में बिजली दौड़ पड़ती थी और ऐसा उठ बैठता जैसे भूत देख लिया हो। और वो मिर्ज़ापुर की महारानी बेखबर सोती रहती। नींद में कभी कभी उसकी नाइटी उसके घुटनों के ऊपर तक चली जाती थी।
पर उसे खबर भी नहीं होती थी। पर मुझे तो होती है ना, मैं देखता हुआ सोऊं कैसे? ये लड़कियां ऐसी क्यों होती हैं यार? मैं धीरे से उसकी नाइटी ठीक करके फिर उसे चादर ओढ़ा देता, ताकि ये अद्भुत दृश्य देखकर मेरी नींद ना उड़ जाए। सपने में भी नहीं सोचा था कि ये काम भी मुझे करना पड़ेगा। वो सुबह 5 बजे उठकर नाश्ता, खाना, मेरे लिए लंच सब कुछ बनाकर टेबल पर रख देती। हल्की सी नींद में उसकी रफ्तार भरी चहलकदमी मुझे साफ सुनाई देती थी। हर दिन इस बात पर झगड़ा होता था कि तुम धीरे धीरे काम क्यों नहीं करती, यहाँ मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो ज़ोर से चिल्लाती कि ना सो तो मेरी बला से, मैं ऐसा ही करूँगी। बड़ी ढीठ लड़की है यार, मैं चाहे उसकी कितनी ही हरकतें बर्दाश्त कर लूँ, पर ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करता था कि वो मेरे कपड़ों को हाथ भी लगाए। शादी के दूसरे दिन ही हमारा पहला महायुद्ध इसी बात को लेकर हुआ कि उसने मेरे कपड़े अपने कपड़ों के साथ मिलाकर वॉशिंग मशीन में क्यों डाले। मैं अपने कपड़ों से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत माने बहुत, खुद वॉश करता हूँ और खुद उन्हें सुखाने के लिए अलगनी पर डालता हूँ। इधर उधर आते जाते उन्हें इस तरह देखता जैसे उन्हें पाल पोस कर मैंने ही बड़ा किया हो। इस झगड़े के बाद तो वैष्णवी ने भी कभी मेरे कपड़ों को हाथ नहीं लगाया। कपड़े न हुए ओलंपिक के मेडल हो गए। लोग अपनी बीवी से भी इतना प्यार नहीं करते जितना तुम इन बेजान कपड़ों से करते हो, वो ताने देती। बहुत सारी किश्तों में झगड़ों के बाद मैंने उसे अपने अलगनी के एक हिस्से पर कपड़े सुखाने की इजाज़त दे ही दी। खैर जाने दो, वो भी क्या याद रखेगी। हम पहले मंजिले पर रहते थे, खुला आंगन था पर उसकी दीवार बहुत छोटी थी। वैष्णवी को ऊंचाइयों का डर बहुत ज़्यादा था। कोई कपड़ा उड़कर दीवार के पास गिरता तो मुझे उठाने को कहती, इतनी हल्की भी नहीं हो कि हवा के झोंके से उड़कर नीचे गिर जाओ, खुद जाकर उठा लो। इस बात पर आए दिन हमारे बीच झगड़े होते थे। वो डरपोक एक डंडे से दीवार के पास पड़े कपड़े को खींचती, मगर भूले से भी उस दीवार के पास नहीं जाती थी। किसी दिन मैं गिर पड़ूँ ना तो पता चलेगा तुम्हें। अरे गिर पड़ो तो पता चले ना। झगड़ा करने के लिए हमें किसी कारण की ज़रूरत नहीं थी, हम तो वजह ढूंढ ढूंढ कर झगड़ा करते थे। उस दिन करीब 7:30 बजे जब मैंने ये तय कर लिया कि राक्षस ऑफिस जा चुकी है, तो आराम से अंगड़ाई लेकर उठा कि चलो कुछ देर तो मेरा घर सिर्फ मेरा रहेगा। कॉफ़ी बनाकर कुछ देर सोफे पर जाकर बैठा और अपना मन पसंदीदा न्यूज़ चैनल देखने लगा। कुछ देर बाद उठा कि ब्रेकफास्ट भी कर लूँ तो फिर कुछ देर और सो जाऊँगा, ये मेरा रोज का रूटीन था। डाइनिंग टेबल के पास पहुँचा तो देखा कि मेरे ब्रेकफास्ट कैजरोल के पास ही वैष्णवी का लंच बॉक्स भी पड़ा हुआ है। ये कैसे हो सकता है, वैष्णवी अपना लंच बॉक्स भूल गई? नामुमकिन, वैष्णवी को तो भूख बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होती। वो मुझसे झगड़ा करने भी शायद कुछ देर मुलतवी कर दे, मगर अपना खाना खाने का वक्त मुलतवी बिल्कुल नहीं करती थी। रोज शाम ऑफिस से आने के बाद मेरे दोपहर के छोड़े हुए लंच पर वो इस तरह टूट पड़ती थी जैसे सुबह से कुछ खाया ही ना हो। कुछ दिन ये देखने के बाद मैं जानबूझकर कुछ खाना शाम को उसके लिए छोड़कर बचा देता था। तुम ऑफिस से शुरू होने से पहले अपने कैंटीन में कुछ खाकर क्यों नहीं निकलती? किसी ने तुम्हें इस तरह मेरा छोड़ा खाना खाते देखा ना तो सोचेगा कि वाह क्या आदर्श पत्नी है, मैं किसी पुराने फिल्म की हीरोइन दिखती हूँ क्या जो तुम्हारे छोड़े खाने को सर लगा कर खा लो। क्या दकियानुसी सोच है यार तुम्हारी। वो तो मुझे कैंटीन का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए यहाँ आकर कुछ खा लेती हूँ, वो बड़े बड़े निवाले खाते हुए बोलती। उसे इस तरह जल्दी जल्दी खाना खाते देख मुझे बड़ी हंसी आती थी, अच्छा भी लगता था। पर अब मैं क्या करूँ? अरे नहीं नहीं, अगर मैं लंच बॉक्स देने जाऊँगा तो वो क्या सोचेगी? अगर सबके सामने उसने मेरी बेइज्जती कर दी तो मुँह कहाँ छुपाऊँगा। पर एक बात माननी पड़ेगी, वैष्णवी चाहे अकेले में मुझसे कितना भी झगड़ा कर ले, मगर दूसरों के सामने मुझसे बड़ी इज्जत से पेश आती थी।
या इज्जत से पेश आने का नाटक कर लेती थी, पर फिर भी मैं इतना जोखिम उठाऊं ही क्यों? उस राक्षस को तो खुद नहीं मालूम कि वो कब कैसे रिएक्ट करती है। एक दिन की तो बात है, कैंटीन में खा लेगी चलो, लेकिन वैष्णवी तो कैंटीन का खाना हाथ भी नहीं लगाती। अरे नहीं खाएगी तो नहीं खाएगी, एक दिन भूखी रह जाएगी, मर तो नहीं जाएगी, पर भूख कहाँ बर्दाश्त होती है उससे। अरे यार ये कैसी मुसीबत है, इसने मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। अब तो जाना ही पड़ेगा उसका लंच बॉक्स लेकर। मैं उस दिन को कोसने लगा जिस दिन इस वैष्णवी से मेरी शादी हुई थी। मम्मी पापा, आज मैं आप लोगों को शाप दे ही देता हूँ कि कम से कम आज की रात आप लोगों को मच्छर काट काट कर रात भर जगाए रखे। आखिर कब तक बर्दाश्त करता मैं अपने साथ मम्मी पापा को भी कोसते हुए लंच बॉक्स पकड़कर निकला और कार स्टार्ट की। वहाँ उसके ऑफिस के पास पहुँचकर कुछ देर वैसे ही कार में बैठा रह गया। अंदर जाकर किससे पूछूं कि वैष्णवी कहाँ है, क्या कहूँगा? और किसी ने पूछा कि मैं क्यों आया हूँ तो? मैं कार से बाहर निकला और उसका डब्बा पकड़कर अंदर ऐसे शर्माकर चलने लगा जैसे पहली बार नई नवेली दुल्हन चाय की ट्रे लेकर अपने पति के कमरे में जा रही हो। एक लड़की लॉन्ज में मेरे सामने से आती हुई नजर आई। वो शक की नज़रों से मुझे घूरती हुई मेरे पास आ रही थी। मैंने उससे नज़रें चुराने की कोशिश की, वो ठीक मेरे सामने आकर रुक गए। हाय, तुम किशोर हो ना, वैष्णवी के पति? उसने हंसते हुए कहा तो मैं दंग रह गया। पता नहीं इस राक्षस ने और कितनों को मेरे बारे में क्या क्या बताया होगा। मैं सोच ही रहा था कि मैं क्या जवाब दूं कि इतने में मैंने अचानक अपने आप को बहुत सारे अजनबी लोगों के बीच तैरते हुए पाया। सारे मर्द मेरी पीठ थपथपाते हुए मजाकिया लहजे से बात कर रहे थे, जैसे मैंने वैष्णवी से शादी ना की हो, कोई मेडल जीत लिया हो। और सारी औरतें बिना मेरे जवाब का इंतज़ार किए अपने आप को मुझसे इंट्रोड्यूस कर रही थी। मैंने देखा कि वैष्णवी सामने से आ रही थी। आसमानी रंग के प्रोफेशनल सूट पहनकर वो हंसती हुई मेरी ओर बढ़ रही थी। इस एग्जीक्यूटिव सूट में बहुत प्रोफेशनल लग रही थी वैष्णवी। वो ऐसे हंस रही थी कि एक बार तो मुझे भी शक हो गया कि शायद ये खुशी मेरे आने के कारण ही उसके चेहरे पे आई है। किशोर, तुम यहाँ? उसने हंसते हुए पूछा। फिर मेरे हाथ में लंच बॉक्स देखा तो समझ गए। मुझे लगा कि इस तरह मुझे अचानक अपने ऑफिस में पाकर शायद वो झल्ला पड़ेगी, शायद उसे ये बात पसंद ना आए। पर ये क्या, वो तो बहुत खुश नजर आ रही थी। वो मेरा हाथ पकड़कर अपने कैबिन की ओर चली। हे गाइस, सॉरी फॉर द ब्रेक, प्लीज़ मुझे बहुत भूख लगी है, पहले अपने पति को अपना कैबिन दिखा दूँ, फिर खाने के बाद आप सब से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, उसने हंसते हुए कहा और बिना जवाब का इंतज़ार किए मुझे अपने कैबिन में ले गई। अंदर जाते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरे हाथ से लंच का डब्बा झपट लिया। बिना एक बात कहे वो अपनी सीट पर बैठ गई और रोटियां तोड़ने लगी। वाह, ये गोभी की सब्जी ना आज कितनी अच्छी बनी है, उसने बिना मेरे तरफ देखे खाने का मज़ा उठाते हुए कहा। मुझे हंसी आ गई, बिल्कुल पागल है वो, जब भूख लगे ना तो घास भी उसे जायकेदार लगती है। उसने खाना खाते खाते सर उठाया जैसे अचानक मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया हो। बैठ क्यों नहीं जाते, अब तुम्हें न्योता दूं क्या? वाह क्या खूबसूरत लहजा है बात करने का। अब तक तो मैं इस गलत फहमी में था कि शायद कुछ देर पहले वो चमक और वो जो मुस्कान मैंने उसके चेहरे पर देखी थी वो मेरे आने की वजह से थी, पर अब एहसास हुआ कि इस खुशी की वजह मैं नहीं, ये लंच का डब्बा है। मैं उठा ही था कि वहाँ से चलूँ, मेरा काम तो हो गया। कहाँ जा रहे हो? घर। और कहाँ? तुमने सुना नहीं कि मैंने बाहर क्या कहा? अपने कोलीग्स को लंच के बाद मुझे उनसे तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाना है। तुम ऐसे चले जाओगे तो लोग क्या सोचेंगे? अरे वो जो कुछ भी सोचे, इससे मुझे क्या, ये सारा ड्रामा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैंने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया।
और जो मैं आए दिन तुम्हारे दूर दूर के चाचे भतीजे और भी रिश्तेदारों को बर्दाश्त करती हूँ उसका क्या? हाँ, अब तो तुम्हें ये भी बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। ओ, तो ये बात है, राक्षस अपना बदला लेना चाहती है। और मैं समझ बैठा था कि वो खुशी खुशी मुझे अपने स्टाफ को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी। जो भी हो, अगले 2 घंटे उसके ऑफिस में बीत गए। वो मुझे हर डेस्क के पास ले जाकर मेरा परिचय करवाती और मैं ही करके हंसता हुआ हाथ मिलाता। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऐसे नुमाइश कर रही थी जैसे उसने मुझे किसी स्वयंवर में जीता हो। उसने मेरी उंगलियों में अपनी उंगलियां डालकर ऐसे जकड़ रखा था जैसे मैं हाथ छोड़ते ही कहीं भाग जाऊंगा। उसका हाथ मेरे हाथ में बहुत कोमल और नरम लग रहा था, नम भी था। शायद उसके हाथों में पसीना छूट रहा था। नर्वस हो रही थी क्या? क्या हुआ वैष्णवी, नर्वस हो रही हो क्या? नर्वस नहीं, मैं खुश हूँ। क्या इसके लिए भी तुम्हारी इजाज़त चाहिए? उसने मुझे झपक दिया। गलती मेरी है जो मैंने उससे नरमी से बात की। हमारी शादी को 3 महीने हो चुके थे। हमारी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं था। एक तरह से एक रूटीन की मुझे भी आदत पड़ चुकी थी। वैष्णवी से हर छोटी बात पर झगड़ा करना, उसका मजाक उड़ाना, उसे जलता हुआ देखकर अंदर ही अंदर हंसना, इन सब बातों की मुझे भी आदत सी पड़ गई थी। शायद लत भी लगती जा रही थी। उस दिन इतवार था। आराम से संडे का ब्रेकफास्ट करने बैठा ही था कि मेरा बेस्ट फ्रेंड आकाश घर आया। अच्छा लगा उसे देखकर। वैष्णवी ने उसे भी नाश्ता करने पर मजबूर किया तो वो भी बैठ गया। बस यूं ही ऑफिस की बातें कर रहे थे कि अचानक आकाश ने कहा, अरे यार किशोर, अब मुझे समझ में आया कि तुमने उस लंदन प्रोजेक्ट पर जाने से इनकार क्यों कर दिया। उसने हंसते हुए वैष्णवी को देखते हुए कहा, लंदन प्रोजेक्ट? वैष्णवी ने हम दोनों की प्लेट में और पूड़ियां डालते हुए कहा। मैंने आकाश को इशारा किया कि वो अपनी जबान बंद रखे, मगर वो मेरी बात सुनता ही नहीं था। हाँ यार, जानता हूँ, जब घर में इतनी खूबसूरत बीवी हो तो लंदन कौन जाना चाहेगा, सही है ना भाभी जी? वो हंसते हुए बोला तो वैष्णवी की समझ में नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। लेकिन उसने मेरी तरफ जो नज़र डाली उसमें आने वाले तूफान के पूरे आसार नजर आ रहे थे। इन 3 महीनों में मैं ये बात अच्छी तरह समझ चुका था कि जब वैष्णवी खामोशी से अपने होंठ दबाकर वो खौफनाक मुस्कुराहट देती है तो वो किस आने वाले दहशत के आसार होते हैं। इधर आकाश ने बाहर कदम रखा नहीं, मैं उधर एक छलांग में अपनी जगह से उठा और दौड़ता हुआ बेडरूम में भाग गया। सारे घर में बस एक ऐसी जगह थी जो हमारे झगड़ा करने के लिए बहुत महफूज थी। नीचे के किरायेदारों को यहाँ से हमारे झगड़ों की आवाज़ पहुँचने के आसार कम थे। मैंने 1 से 5 तक की गिनती करनी शुरू की और 5 तक पहुँचा ही नहीं था कि राक्षस ने जोर से दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा। अब बताओ, क्या बताऊँ, जानकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा था मैं। ये लंदन प्रोजेक्ट, ये कब हुआ, मुझसे कहा क्यों नहीं, और ये हुआ कब? तुमने मुझे बिना बताए प्रोजेक्ट पर जाने से इनकार भी कर दिया। जानते हो तुम्हारे करियर के लिए कितना अच्छा ऑफर हो सकता था? कमर पर हाथ रखकर तो वो मुझसे ऐसे जवाब तलब कर रही थी जैसे वो मेरी बीवी हो। हाँ थी तो बदकिस्मती से। देखो मेरी अम्मा, पहली बात, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं हर काम तुमसे पूछ कर ही कहूँ। अब तुमने पूछ ही लिया है तो मेरा जवाब ये है कि मैंने प्रोजेक्ट नहीं लिया क्योंकि मैं लंदन नहीं जाना चाहता हूँ। बस बस क्या, तुमने अपने सुपीरियर्स को भी क्या इसी तरह लापरवाही से जवाब दिया? तुम्हें इससे क्या, अब छोड़ो भी यार, मैं बात को टालने की कोशिश कर रहा था। क्या मतलब मुझे तुम्हें इससे क्या, सुना नहीं वो आकाश क्या कह रहा था? अब तो सभी यही कहेंगे ना कि तुमने मेरी वजह से प्रोजेक्ट लेने से इनकार कर दिया। अरे ये तो मुझसे ऐसे बात कर रही थी जैसे मैंने प्रोजेक्ट ना लेकर कोई गुनाह कर दिया है। एक तरफ से वो सही भी थी
ऐसा नहीं था कि मैं उसके बिना वहाँ लंदन में नहीं जी पाता, पर उसकी आदत सी पड़ गई थी। उसका आसपास होना अच्छा लगता था। ऊपर से 3 महीने उसे अकेले बेंगलुरु में छोड़कर जाना। एक बार तो सोचा कि उससे कहूँ कि ऑफिस से 3 महीने की छुट्टी ले ले, मगर ये ऑफिस उसने नया नया ज्वाइन किया था, कई जिम्मेदारियाँ थी उस पर। इस तरह अचानक 3 महीना छुट्टी पर जाना शायद उसके लिए मुमकिन ना होता, इसलिए पूछा नहीं। और फिर अपने साथ लंदन आने को कहूँ तो पता नहीं वो क्या समझ बैठे। ऐसा तो नहीं समझेगी कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। नहीं नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करता। और इस बात को साबित करने के लिए मैं अपनी लंदन ट्रिप भी कैंसिल कर सकता हूँ। अरे बताते क्यों नहीं, क्यों नहीं लिया प्रोजेक्ट? छोड़ती ही नहीं थी यार, बताया तो कि जाने का दिल नहीं था। और इस बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है, तुम्हारी हर बात से मेरा ताल्लुक है। तुम्हारे फैसलों का असर मुझ पर भी पड़ता है। अब तो तुम्हारे पेरेंट्स भी यही कहेंगे ना कि मैंने तुम्हें अपने पल्लू से बांध रखा है। वो बोलती ही जा रही थी। कमाल है यार, ऐसे ख्याल उसे आते भी कहाँ से हैं? एक तरफ मैं यहाँ उसे अकेला छोड़कर ना जाने की वजह से अपना ट्रिप कैंसिल कर रहा था, और दूसरी तरफ से ये लड़की मुझसे झगड़ा किए बैठी थी कि लोग क्या सोचेंगे। शायद 1 साल जद्दोजहद करके मैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी समझ लेता, IIT हूँ ना, मगर सारी जिंदगी भी अपना दिमाग खपा दूँ ना तो भी ये लड़की मुझे समझ में नहीं आएगी। उस रात उसकी चूड़ियों की आवाज़ की खनखनाहट से मेरी आंखें खुली। चूड़ियों का बहुत शौक था उसे। आंखें खुली तो देखा वो मेरी आंखों में आंखें डाले एक टक देख रही थी। आ! मैं चिल्लाया, डर के मारे मेरा दिल रुक जाता। ऐसे भूतनी की तरफ मेरी तरफ घूर क्यों रही हो, सोती क्यों नहीं? शायद उसने नहीं सोचा था कि मैं उठ बैठूंगा, वो भी चौंक पड़ी। वो मैं मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अल्फाज ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तो नींद नहीं आ रही थी तो दीवारों को घूरो, ऊपर उस पंखे को घूरो, ये भूत की तरफ मुझे क्यों घूर रही हो? धड़कन रुक जाती मेरी अभी। ये बात कहकर मैं दूसरी ओर पलटकर सो गया। शायद खामखा आधी रात उस पर चिल्ला बैठा था। थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था। फिर लगा, वैसे भी हमें तो बात करने का यही तरीका पसंद है, और कोई तरीका तो मालूम भी नहीं हमें। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये लड़की जो हर रात कुंभकर्ण की तरह सोया करती थी, आज रात बेचैनी से मेरी तरफ जागती हुई क्यों देख रही थी? उसकी आंखों में एक अलग ही एहसास था। क्या था? चाहत? अरे नहीं यार, ये मैं कहाँ बेवजह कल्पनाएं करने लगा। उसकी गर्म सांस ने मेरे चेहरे को छुआ तो मेरी आंख खुल गई। वैष्णवी कितनी मासूम लग रही थी नींद में, हल्के खुले होंठ और बंद पलकें। इससे पहले कभी मैंने इतने गौर से और इतने करीब से उसे नहीं देखा था। उसके आंखों का शेप कुछ अलग ही था, अंदर की ओर नीचे खींची हुई और बाहर की ओर फूलों जैसी फैली हुई, जैसे शंख। उसकी आंखें शंख जैसी थी। ये कैसा बयान हुआ आंखों का। अब यार मैं कवि तो हूँ नहीं, उसकी आंखों को देखते देखते मेरे आंखों की नींद उड़ गई। मैंने जबरन आंखें बंद कर ली और पलट कर दूसरी तरफ सो गया। भाड़ में जाए वो और उसकी आंखें मेरी नींद खराब कर डाली। आंगन में बाल्टी की हलचल से मेरी नींद टूटी। मैं समझ गया कि राक्षस कपड़े सुखा रही है आंगन में। मैंने धीरे से आंखें खोली और अलगनी की ओर अधमूंदी आंखों से देखा। मेरे हिस्से की अलगनी को छोड़कर वो अपने हिस्से की अलगनी पर अपने कपड़े पसार रही थी। गेरुए रंग का दुपट्टा उसके पीछे खड़ी उसे पसार रही थी। सूरज उसके पीछे था। उस गेरुए रंग के दुपट्टे के पीछे उसके बिखरे बाल धूप में रेशम के धागों से चमक रहे थे। दुपट्टे की गेरुई रोशनी खुले दरवाजे से बिस्तर पर औंधे मुंह लेटे मेरे चेहरे पर भी पड़ रही थी। अच्छा लग रहा था।
अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। मैं रोज इसी तरह देखता उसे कपड़े पसारते अधमुंदी आंखों से, ताकि उसे पता न चले कि मैं उसे देख रहा हूँ। वो दुपट्टे पर क्लिप लगाने के लिए क्लिप लेने नीचे झुकी कि अचानक हवा का झोंका आया और दुपट्टा हवा में उड़ा गया। एक पल में जैसे सब कुछ हो गया। देखते ही देखते दुपट्टा उड़कर दीवार को पार करने लगा और वैष्णवी ने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे फैलाया, शायद पैर भी। अनजाने में वो दीवार पर झुकी और जहाँ तक मुझे याद है मेरी आंखें अभी भी अध खुली ही थी, मगर कानों में वैष्णवी के नीचे गिरने की धप की आवाज साफ सुनाई दी। कुछ पल समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था, वैष्णवी कहाँ थी, वो गेरुए रंग का दुपट्टा कहाँ खो गया था। वैष्णवी को कमर पर गहरी चोट आई थी, एक हाथ भी टूट गया था। मेरे मम्मी पापा देहरादून से और उसके माता पिता हैदराबाद से कुछ ही घंटों में अस्पताल आ गए। वैष्णवी आईसीयू में थी। मेरी समझ में अभी कुछ नहीं आ रहा था, ये सब कैसे हो गया, क्या ये सच भी था। वो तो यही थी मेरे आंखों के सामने, वो गेरुए रंग का दुपट्टा सुखाती हुई। कहाँ है वैष्णवी, वो मेरे साथ क्यों नहीं है, उसकी आंखें बंद क्यों हैं, उसकी शंख सी आंखें बंद क्यों हैं, कब खुलेंगी वो आंखें। उसका खून से लथपथा चेहरा मेरी आंखों के सामने तैर रहा था। माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं चौंक पड़ा, माँ को पकड़कर बच्चे की तरह रो दिया। क्यों रोया पता नहीं। वैष्णवी को अगले दिन होश आया। डॉक्टर ने सलाह दी थी कि उसे 2-3 महीने आराम करना चाहिए, वो व्हीलचेयर में थी। मेरे मम्मी पापा ने भी यही सलाह दी कि उसका हैदराबाद में आराम करना ही ठीक रहेगा। कोई मुझसे क्यों नहीं पूछ रहा था कि मैं क्या चाहता हूँ, कोई वैष्णवी से क्यों नहीं पूछ रहा था कि वो क्या चाहती है। हम दोनों खामोश थे, खुलकर कुछ कह नहीं पा रहे थे, पर उसकी झुकी आंखों में आंसू थे। हम दोनों के माता पिता उसके डिस्चार्ज की बात करने कमरे से बाहर डॉक्टर के पास गए। मैं उसके पास बैठ गया। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, इन 6 महीनों में कभी उससे सीधी मुंह बात ही नहीं की थी। कैसे कहता कि मैं मर जाऊँगा उसके बगैर, वो घर मुझे काटने को दौड़ेगा उसकी गैर मौजूदगी में। पर कुछ तो कहना था। उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं बड़बड़ा पड़ा, मैं बिल्कुल तुमसे झगड़ा नहीं करूँगा वैष्णवी, सच तुम्हारे बने खाने को चुपचाप खा लूँगा, नहीं मैं तुम्हें बना के खिलाऊँगा, तुम मेरा पूरा वार्डरोब ले लो, मैं दूसरे कमरे में कपड़े रख लूँगा, और तुम चाहे सुबह जितनी भी चहलकदमी करो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं टोकूँगा, और वो दीवार मैं कल ही ऊँची करवा दूँगा, सच वैशु मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मेरे साथ घर चलो वैशु, मैं नहीं जा सकता वहाँ तुम्हारे बगैर। जिंदगी में पहली बार किसी को खोने का इतना डर लग रहा था, लगता था जैसे आँखों से बहकर जान बाहर जा निकलेगी। चुप, बस चुप, हम घर चलेंगे किशोर, अपने घर चलेंगे, वैष्णवी मेरी आँखों को पोछती हुई कह रही थी। हमारे मम्मी पापा अंदर आए तो मैं बगल हटकर खड़ा हो गया। माँ मैं किशोर के साथ अपने घर पर ही रहना चाहती हूँ। सॉरी पापा, मैं हैदराबाद नहीं आना चाहती। वैष्णवी ने इतनी दृढ़ता से अपना फैसला सुनाया कि किसी ने एक बात नहीं कही। ये बात मैं क्यों नहीं कह पाया उन सब से कि मैं अपनी पत्नी की देखरेख खुद करना चाहता हूँ, उसे अपनी आँखों के सामने रखना चाहता हूँ। मेरी वैष्णवी मेरी भी आवाज़ बन चुकी थी। 2 महीने गुजर गए। आज सुबह आंखें खोली तो हल्के रंग की धूप छन कर आंगन से मेरे बिस्तर पर पड़ रही थी। सामने हरे रंग का दुपट्टा अलगनी पर डालती हुई मेरी पत्नी वैष्णवी नजर आई, मेरे कपड़ों को भी डाल रही थी। उसके पीछे की दीवार ऊंची कर दी गई थी। अलगनी पर फैले कपड़े कुछ अलग ही सुकून देते हैं जिंदगी का।
जिंदा होने का ये मीठा एहसास कि उस हरे रंग की चुन्नी से छन कर आती हुई धूप में मेरी वैष्णवी की रोशनी है जो मेरे जिंदगी में उजाला भरती है।